हेलो फ्रेंड, कांति चंद डॉट कॉम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहार की फेमस मसालेदार और स्वादिष्ट सत्तू पराठा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस रेसिपी को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मसालेदार सत्तू पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 500 ग्राम गेहूं का आटा, 250 ग्राम चना सत्तू, 1 चम्मच मैंने इसे ग्रेट कर लिया है, लहसुन 10 से 12 इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, सरसों तेल मैंने यहाँ 6 से 7 चम्मच लिया है, धनिया पत्ता, हरी मिर्च 4 बारीक कटे हुए, प्याज 3 बारीक कटे हुए, मंगरेला 1 टीस्पून, जीरा 2 टीस्पून, अजवाइन 2 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार, नींबू का जूस मैंने 2 नींबू का जूस को अच्छे से छान लिया है, घी 3 चम्मच, पानी जरूरत के हिसाब से। सत्तू पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटे का दो तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ एक बॉल लिया है, इसमें डालूंगी आटा। साथ ही मैं ऐड करूंगी 4 स्पून मस्टर्ड ऑयल, 1 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले आटे में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज किया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब इनको मैं हाथों से एक सॉफ्ट डो तैयार करूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। आटे का सॉफ्ट डो तैयार हो गया है, अब इसे मैं आधे घंटे के लिए ढककर रख दूंगी। तब तक मैं पराठे के फिलिंग की तैयारी करती हूँ। सत्तू पराठा का फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है सत्तू, इसमें मैं ऐड करूंगी ऑनियन, चिली, गार्लिक, जिंजर, धनिया पत्ता, मंगरेला, जीरा, अजवाइन, नमक स्वाद के अनुसार, मस्टर्ड ऑयल 4 स्पून, लेमन जूस। अब इन सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इन सारे मसाले हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है और खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है। आधा घंटा हो चुका है, अब मैं सत्तू पराठा बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने बेलन चकला लिया है, थोड़ा सा आटा लिया है, मैं इतना छोटा छोटा बहुत जैसा बनाऊंगी। आटे में ऐसे लगाऊंगी और ऐसे ऐसे इसे
गोल करना है। इस तरह से गोल करना है और इसमें थोड़े थोड़े सत्तू को लेकर ऐसे फील करना है और इन हाथों से ऐसे दबाते हुए इसे बंद करना है। से हाथ से दबा देना है। यहाँ चकले पे आटा डस्ट कर लेंगे और हल्के हाथों से इसे बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से मैं सारे पराठे बेल लूँगी। सारे पराठे यहाँ बेल चुके हैं, अमेजिंग। सेकना शुरू करती हूँ। पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है, इसे मैंने गैस पे रख दिया, ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक पराठा डालूँ। आज मैं आपको दो तरीके से पराठा बनाना सिखाऊंगी, एक घी में और एक सरसों तेल में। पराठे को सेकते हुए पकाना है, इसे एक से दो मिनट के बाद पलटना है और उसके बाद इसे पकाना है। गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए। इस पराठे में मैं कोई भी तेल नहीं डालूंगी, इसे मैं ऐसे सूखा ही सेकूंगी क्योंकि मैं इसमें घी लगाऊंगी। घी के साथ सत्तू पराठा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे दबाते हुए सेकना है। ये देखिए पराठा बिल्कुल फूल चुका है। ये देखिए इसका पराठा का कलर भी कितना अच्छा है। पराठा ऑलमोस्ट पक चुका है, इसे और एक से दो बार मुझे पलटना है ताकि ये कच्चा ना रह जाए। ये देखिए पराठा कितने अच्छे से फूल रहा है। पराठा बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। पराठा बहुत अच्छे से सिक चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी सी घी दूंगी और इसके ऊपर से पूरा स्प्रेड कर दूंगी और साथ ही ऐसे चम्मच से घी को पराठे के अंदर कर दूंगी। इससे पराठा का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए पराठे का कलर भी कितना अच्छा है। इसी तरह से मैं आधे पराठा बनाऊंगी घी के साथ और आधा मैं तेल के साथ बनाऊंगी। घी वाले पराठे बनकर तैयार है, अब मैं तेल में बनाना सिखाती हूँ। मैंने यहाँ एक पराठा और सेक रही हूँ, इसे मैं तेल में सेकूंगी। इसे भी पलटते हुए पकाना है। एक तरफ पराठा सिक चुका है, अब मैं इसे डालूंगी तेल। यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून तेल डाल रही हूँ। इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इसे दबाते हुए सेकना है ताकि ये अंदर तक सिक जाए, कच्चा ना रहे। ये देखिए तेल में पराठा बनकर। इसे पलटते हुए सेकना है। पराठा बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से मैं और सारे पराठा भी बना लेती हूँ। ये देखिए ब्रेड सारे पराठे बनकर तैयार हैं। इसे मैंने घी में बनाया है और इसे मैंने तेल में बनाया है। ये आपकी चॉइस पर है, आप तेल में भी बना सकते हैं और घी में भी। इसमें से मैं एक तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट और खस्ता बना है ये पराठा, वो भी बहुत ही कम तेल और कम घी में। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।